अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पेड़ा। हम मिल्क पाउडर से पेड़ा बनाने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से। मैंने पैन ले लिया है, मैं इसमें 2 छोटे चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। ये छोटा सा स्पून ले लिया है मैंने, इससे 2 स्पून घी ऐड करेंगे। ये आधा कटोरी मैंने दूध लिया है, ये ऐड कर देंगे। और ये 1/4 कटोरी मैंने पाउडर शुगर ली है, इसको ऐड कर देंगे। और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। लो फ्लेम रखना है आपको। ये देखिए मिक्स कर दिया हमने। ये मैंने 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। शुगर मैंने इसमें थोड़ी ही ऐड की है, क्योंकि मेरे मिल्क पाउडर में भी थोड़ी शुगर है, तो आप टेस्ट करके डाल सकते हैं। इसको हम लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं होनी चाहिए इसमें। ये देखिए अब ये मावे की शक्ल में आ चुका है। हमने जो पाउडर शुगर ऐड किया था उसका पानी छूटा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्टिकी है। हमको इसको सुखा लेना है, लो फ्लेम पर ठीक कर लेना है। जब तक ये पैन को छोड़ता नहीं है तब तक हमें इसको पकाते रहना है। ये देखिए इसने पैन को छोड़ दिया है, मतलब अब ये पक चुका। हम इसको निकाल लेंगे डिश में और ठंडा कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको ठंडा कर लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने हाथों को घी से ग्रीस कर लिया है। अब छोटा छोटा पार्ट लेंगे हम और उसको पेड़े की शक्ल में बना लेंगे। ये देखिए ये मैंने बादाम कट करके लिया है, मैंने इसमें ही रख दिया। ये देखिए हमारा पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे। ये देखिए 1 कप मिल्क पाउडर में हमारे 6 पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। कितने टेस्टी लग रहे हैं और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं दिखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी है। कितने सॉफ्ट हमारे पेड़े बनकर रेडी हुए हैं। मेरे चैनल फूड विद आफिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।